ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम की साइबर क्राइम टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। एक बड़ी फर्जी कॉल सेंटर की जो टीम चल रही थी उसका बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इस फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशों में बैठे लोगों से जो आरोपी हैं वो ठगी किया करते थे। इस पूरे मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 6 युवक और 6 युवतियां शामिल हैं। ये सभी अमेजॉन एप्पल ई पे में गिफ्ट कार्ड देने के माध्यम से ठगी किया करते थे और उन लोगों से ठगी किया करते थे जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं और ऐसे लोगों से $10 से लेकर $200 तक प्रत्येक व्यक्ति को जो भी उनके झांसे में आता था उनसे उतने की ठगी किया करते थे। और इन 12 आरोपियों से 4 फोन, 6 लैपटॉप और अब तक 92,000 रुपये बरामद किए जा चुके हैं। वहीं अवैध रूप से ये लोग ये फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे जिसमें एक बड़ा शॉपिंग ऐप भी शामिल है यानी फ्लिपकार्ट के जरिए भी ये गिफ्ट कार्ड देने के माध्यम से ठगी किया करते थे। और ऐसे में पुलिस को जब जानकारी मिली कि गुरुग्राम के DLF इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर, एक फर्जी सेंटर चलाया जा रहा है, तो वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस साइबर क्राइम की टीम के साथ, पुलिस के जवानों के साथ मौके पर पहुंचती है और वहां पर जाकर 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं आरोपियों की तरफ से जब उनसे पूछताछ की गई तो उनकी तरफ से ये एक बड़ी जानकारी मिलती है कि एक फर्जी कॉल सेंटर वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर चलाया जा रहा था गुरुग्राम के DLF इलाके में। और ऐसे में पुलिस अब अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है कि इस पूरी गैंग में, इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं। इस पूरे मामले को लेकर गुरुग्राम पुलिस का क्या कुछ कहना है अब आप वो सुनिए। सर, एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, क्या है सर पूरा मामला? 21 तारीख को साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन की टीम के साथ हमने कॉल सेंटर बस्ट किया था जिसमें अमेजन, एप्पल, ईबे, एटसी की कस्टमर केयर सपोर्ट के नाम पर विदेशों से एक कॉल सेंटर में लोगों भारतीय ठगते थे। सर, कैसे इनका तरीका क्या था ठगने का, किस तरीके से ठगते थे लोग? एक टोल फ्री नंबर जिसको हम TFN कहते हैं, वो उससे कई सारी कॉल्स इनके कॉल सेंटर में रीडायरेक्ट होती थी जिसके थ्रू ये वहाँ पे विदेशों से संपर्क करके उनको सर्विसेज प्रोवाइड करके, फेक सर्विसेज प्रोवाइड करके उनसे गिफ्ट कार्ड के थ्रू पैसे जपते थे और उनको ठगी करते थे। कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इनका क्या कुछ रोल इसमें, इस पूरे इसमें रहा है इन लोगों का, कितने लोग हैं ये? मौके से 9 लोग गिरफ्तार हुए थे जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं और 3 लोगों के इसमें रिमांड लिए गए थे जिनके इंटेरोगेशन के दौरान 3 और लोग गिरफ्तार अभी, और टोटल 12 लोग इसमें अभी तक गिरफ्तार हो चुके। कितने लोगों से ठगी कर चुके होंगे अब तक और कितने की ठगी, कुछ अंदाजा हो? ये अगेन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और $10 से लेकर $200 तक के प्रत्येक एक फॉरनर से ठगी करते थे। सर, किन कंपनीज के नाम से लोग ठगी करते थे बेसिकली? क्या कोई पर्टिकुलर कोई कंपनी थी जिसके नाम की कस्टमर केयर इन्होंने खोल रखा था? ये अमेजन, एप्पल, ईबे, एटसी, इन सारी जो बहुप्रचलित कंपनीज हैं इनके नाम पर ये ठगी करते थे। क्या कुछ बरामद इनसे किया गया है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से? इनसे 4 फोन, 6 लैपटॉप और 92,000 रुपये मौके से रिकवर हुआ। सर, इनका जो बेसिकली जो नेक्सस था वो किस तरह से काम करता था, क्या एक ही जगह था या फिर अलग भी कोई इन्होंने स्टेशन बनाया हुआ था, किस तरीके से ये लोगों को फंसाते थे? एक कॉल सेंटर का इसमें हमने जो मालिक गिरफ्तार किया है उसके इंटेरोगेशन के दौरान हमें पता चला है कि उसका एक और सब सेंटर यहीं गुरुग्राम में चलता था जहाँ पे बाकी कॉल्स डिवाइड होके लोगों से सेम मॉडस ऑपरेंडी में ठगा जाता था। क्या मोटिव था, किस तरीके से, जैसे वर्क फ्रॉम होम के तरीके से काम करवाते थे ये लोगों से? वहाँ पे जितने भी वो सारे के सारे एक बेसमेंट में बैठ के सारे जो फॉरेनर्स हैं उनको ठगते थे। ठीक है सर, ठीक।